चैनल फिर से लेके आए बहुत जबरदस्त वायरल हो रही है न्यू नेमार्ड वीडियो को लेके गाइस। कुछ इस टाइप का जो नेमार्ड वाला वीडियो है गाइस बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक में वायरल हो रही है गाइस। तो इस टाइप का नेमार्ड वीडियो आप भी अगर बना के डालते हैं अपना कोई भी किसी का नाम के साथ, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपका भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो सकती है या तो बहुत सारा लाइक्स फ्रेंड प्लस आ सकते गाइस। तो इस टाइप का वीडियो बनाना बहुत ही ईजी है गाइस। अगर इस टाइप का वीडियो को बनाना सीखना चाहते तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना गाइस और अभी से लाइक करते हैं हमारे चैनल पर। अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना ताकि इसी टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप भी मेरे वीडियो देखकर कुछ सीख सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को लेता हूँ स्टार्ट। तो गाइस इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या कि प्लस वाला आइकन को टच करना है। यहाँ जो 16:9 का रेशियो है इसको लेना है गाइस और मीडिया वाले फाइल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें कि मैंने साउंड ऐड कर दिया, इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना। इम्पोर्ट करने के बाद जो गाइस नेक्स्ट प्रोसेस है वहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन पर जाना, टैक्स वाला ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर किसी बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, किसी अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का भी नाम लिख सकते हैं या तो लेटर वाइज लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ बी। और यहाँ पर हार्ट जो गाइस दिल वाला ऑप्शन लेना है आपको, ये वाली ऑप्शन लेना है गाइस, इसी को लेना है तभी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आर लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद गाइस इसको जूम कर लेना और जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जाना है फॉन्ट स्टाइल में। फॉन्ट स्टाइल में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि ये कट कट वाला फंड में ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको लेने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना और लास्ट तक करने के बाद गाइस जो आपको और एक चीज़ करना है, यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन पे जाना, हेड राइटिंग में जाना है गाइस और यहाँ पर आपको ये वाली सेलेक्ट कर लेना और इसकी कलर वाइट कर लेना, ठीक है। वाइट करने के बाद गाइस यहाँ से एक लाइंस को ड्रॉ करना, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइंस मोटी हो रही है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना और पतला वाला लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। या इससे भी पतला करना चाहते तो इसको ड्रॉ कर लेना, तो ये ठीक ठाक लग रहा है गाइस तो इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर लेना और लास्ट तक करने के बाद गाइस इसकी जो इन एनिमेशन है गाइस आपको ड्रॉ बाय स्टॉक कर लेना, ठीक है। स्टॉक ड्रॉ बाय स्टॉक कर लेना 1.5 सेकंड पे, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद गाइस आपको और एक नीचे में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाना और यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर लिख लेना है माई हार्ट बीट, हार्ट बीट माई हार्ट बीट। यहाँ पर एक पुच्ची उच्ची लगा सकते हैं या तो फिर यहाँ पर इमोजी में जाना गाइस और यहाँ पर इमोजी में ये वाली इमोजी लगा सकते हैं। अगर आप किसी लड़की के लिए लिखना चाहते तो ये करना, लड़का के लिए लिखना चाहते तो लड़का वाला पीएनजी इमोजी लगा लेना। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लेनी गाइस और इसकी जो फॉन्ट है गाइस दिखा रहा हूँ डबल पे टच करना, यहाँ पर ये वाली फॉन्ट को ले लेना है ये, ठीक है। इसकी इन एनिमेशन में दिखा रहा हूँ आपको, इन एनिमेशन में डाल देना है लेटर वाई सॉरी वाइप राइट का, वाइप राइट का 0.5 सेकंड पे कर देना। अब आपको इतना होने के बाद दिखा रहा हूँ प्ले करके, इसकी इन एनिमेशन थोड़ी सी आगे से कट कर लेना और यहाँ पर इन एनिमेशन आपको दे देना है वाइप राइट का, ठीक है 0.5 सेकंड पे। फाइनली इतना तो एनिमेशन हो गया गाइस। अब नेक्स्ट में लेयर वाला ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा एक कलर वाली, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना। इसका इंपोर्ट करने के बाद यहाँ कैची के बगल में जो बॉक्स दिख रहा है इस पर जाना, इसको फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे में ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ब्लेंडिंग पे जाना और ओवरले पे चेक कर लेना कि कौन सा वाला पे सही लग रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ एडजस्ट कर लेना, ठीक है गाइस। तो मल्टीप्ले पे भी सही लग रहा है और यहाँ पर ओवरले पे भी सही लग रहा है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं हालांकि दिखा रहा हूँ गाइस ब्लेंडिंग पे जाना और अब मल्टीप्ले पे कर लेना, सही लग रहा है ये पे। तो फाइनली वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में, मेरा अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही है कि मैं हर एक वीडियो में कौन सा इफेक्ट डालता हूँ गाइस। तो आपको बता दूँ गाइस लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है गाइस और यहाँ पर मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कौन सा गाइस आप लोगों को पता ही होगा, स्पार्कल वाला इफेक्ट, ठीक है। तो स्पार्कल वाला इफेक्ट को यहाँ से ऐड कर लेना, कौन सा है कहाँ गया ये, इसको ऐड करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लेनी गाइस और कट करने के बाद यहाँ से इसको कर लेना फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे जाना ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग पे जाने के बाद स्क्रीन पे सेव कर लेना, इसकी थोड़ी ओपेसिटी को कम कर लेना या इतना ही रहने देना। इसके बाद वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है गाइस, कुछ इस टाइप का इफेक्ट देने लग जाएगा। इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं गाइस। और ये वीडियो तो फाइनली तैयार हो चुका है गाइस, दिखा रहा हूँ ये थोड़ा नीचे
नीचे कर लेना। तैयार हो चुका है गाइज, अब आपको करना शेयर वाला ऑप्शन पे जाना है गाइज और वीडियो कर लेना है एक्सपोर्ट और टिकटॉक पे कर देना पोस्ट। बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल चल रही है तो आई होप आपका वीडियो वायरल हो जाए तो बहुत सारा लाइक्स आ जाएगा। अगर वीडियो बनाने में समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, हम ताकि वो भी हमारा वीडियो देखकर कुछ सीख सके। चलेगा जब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।